घर में ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, इसको गाड़ी भी देनी, ये करते हैं आप लोग, ये तो मोल साहब नहीं कहते, बस वो तो कहते हैं ये फलाना जो फलां की बेटी है और इस नाम की उसकी कोई दूसरी बेटी नहीं, बस इतने महर के इन दो शाहिदों के हुजूर आपने कहा सही शरई मोहम्मदी के एहसास पर आपने कबूल किया, तो लड़का कह देता है मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुआ कर जाते हैं, अब कबूल तो किया, दूसरे दिन डिमांड आ गई कि मुझे वो फलां जूते चाहिए, आपके यहाँ यहाँ बूट की कोई मशहूर फैक्ट्री है क्या, कहते हैं फुटवेयर या जो कुछ भी है कि फुटवेयर में वो फलां $50 के मिलते हैं सही, और हाँ सुनिए वो फलां जगह पे फैब्रिक की दुकान है वहां से मुझे ये अच्छे क्वालिटी के कपड़े भी लाने हैं, मैंने दो जोड़े सीने हैं, और हाँ आप ग्रोसरी पे आते हुए वहां से लैम्ब का एक राम वो भी उठा के लाए, दो चिकन भी साथ ले आए, और चावल की एक बोरी भी ले आए, कुकिंग ऑयल का एक डब्बा, अब आपके तो आसान पता हो जाएंगे सही, अब आपसे कुछ नहीं बन सका, आप दौड़ के आ गए मस्जिद, लोगों ने नमाज पढ़ी थी वो जो कल परसों निकाह में हाजिर थे सही, आप मौलवी साहब पे शाउट कर गए मौलवी साहब आपने मेरी कैसी निकाह पढ़ी, क्या मैंने कहा वो कल तो आपने कह दिया था कि आपने इस तरह कबूल किया है तो मैंने कबूल किया था, अब वो तो ये डिमांड ये चीजें तो मैंने कबूल नहीं की, मैंने तो कोई कोश की जिम्मेदारी चिकन की जिम्मेदारी कपड़े की जिम्मेदारी, तो मौलवी साहब कहेगा कह रहे बेटे अभी लग जाएगा पता सही कि ये लड़की कबूल करना ये कोई इतना आसान काम तोड़ा है, जो आपने लड़की कबूल की ये सारे हवाशी आपने कबूल किए हैं, ये अभी आपने निभाने हैं, हाँ तो मैं अर्ज ये कर रहा था वही वही बात कि जो प्लेज ऑफ एलिजेंस है, तो आपने जो प्लेज ऑफ एलिजेंस दे दिया है आपने इस मुल्क के हर एक कानून को कबूल कर दिया है, क्योंकि आपने प्लेज ऑफ एलिजेंस वो दे दिया है सीने पे हाथ रख के वाजे में आ गई, तो आप ये प्ली नहीं ले सकते कि इस कानून का तो वहां मजिस्ट्रेट साहब ने कोई जिक्र नहीं किया था, जज साहब ने तो इसका कोई जुमला इंक्लूड नहीं किया था, अरे भाभी ये जो आपने प्लेज ऑफ एलिजेंस दे दिया है ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया ये कभी तो आपसे डिमांड करेगा कि आए नमाज पढ़े, ये भी कहने में क्या तकाजा है, क्या है नमाज पढ़े, लेकिन कभी आपसे डिमांड करेगा कि मसजिद बनानी है पैसे दे दे हमें $5,000 सही, आप कहते हैं नहीं नहीं ये नमाज तो ठीक है लेकिन ये पैसे वाला मसला ये बहुत मुश्किल काम है सही, हमें सब काम आसान मालूम होते हैं जहां पैसा जेब से निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मैंने कहा कि विलायत और बुजुर्गी शुरू होती है दो चीजों से, दुनिया से दिल लगी मत करो सही, मीन्स कि अपने विम्स और डिजायर्स को कंट्रोल करो सही, पैसे पर अकीदा न रखो, अकीदा किस पे अल्लाह पे, ये बाकी तो वसाइल हैं बाकी तो टूल्स हैं, ये पैसे पर अकीदा रखना इस तरह है जिस तरह आप तरजीह दे दें घर के बजाय बाथरूम को सही, तो आप घर खरीदते हैं बाथरूम के लिए या घर खरीदते हैं घर के लिए, घर खरीदते हैं घर के लिए, बाथरूम अगर ना भी हो तो आप बना लेंगे रेटलॉन एड कर जाएंगे, अगर बाथरूम सेट ना भी है तो आपसे, लेकिन अगर एक ऐसा बेवकूफ आदमी कि उसने घर देख लिया कि लिविंग रूम तो ठीक नहीं है, बेडरूम भी सही नहीं है, किचन भी ठीक नहीं, एंट्रेंस भी सही नहीं, दरवाजे विंडोज भी सारे रस्टेड हैं और फड़ा, लेकिन बाथरूम में उन्होंने इटली का वो मार्बल लगा दिया है इसलिए मैं वो घर खरीद रहा, तो आपने उस बंदे को फिर अस्पताल ले आना है, ये तो बेवकूफ आदमी है इसका तो दिमाग चल गया है, तो काबिल एहतराम भाई और बुजुर्गो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलयुबल्लिग शाहिदुन मिनकुमुल गाइब, आप जो लोग यहां हाजिर हैं आपने कलिमा पढ़ लिया है आपने मेरे मैसेज को कबूल कर दिया है, अब आप मेरे पैगंबर बनके इस पैगाम को दुनिया में आम करेंगे, आप दुनिया में फैल जाएंगे, तो आप सीरत और अहवाल सहाबा की किताबें उठाएं रिसर्च करें, 1,24,000 सहाबा में 14,000 ऐसे हैं जो मदीना मक्का और इन मुजाफात में वफात पा गए सही, लेकिन 1,24,000 से आप 14 नफी करें तो 1,10,000 सहाबा ये कहां गए,
ये उठ गए आसमानों पर, ये फरिश्तों के साथ जा मिले? नहीं, उन्होंने हुजूर के अल्फाज को पल्ले बांध लिया और दुनिया जहान में फैल गए। आप जाएंगे चाइना में सिंकियांग, वहां पे एक मशहूर शहर है अरोंची, नाम सुना है क्या? ये बिजनेस वाले लोग वहां जानते हैं अरोंची। अरोंची से आगे एक टाउन है, वहां से काफी फासले पर, उसके डाउन टाउन में जाए तो वहां पे एक बोर्ड, साइन बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, बाग किस्म का है, बागीचा किस्म का है, काफी जमीन है, काफी एकड़ जमीन है, सही। उसके अंदर एक मस्जिद भी है, 70 के करीब कब्रें हैं। चाइनीज सोशलिस्ट रियासत और सोशलिस्ट हुकूमत, उन्होंने भी वहां पे साइन बोर्ड पे लिखा है प्रोहिबिटेड एरिया फॉर नॉन मुस्लिम्स। इवन दो ये कोई शरीयत तस्वीर नहीं, लेकिन पता नहीं उनके ज़हन में किसी ने डाल दिया प्रोहिबिटेड एरिया, बिकॉज प्रोहिबिटेड एरिया फॉर नॉन मुस्लिम इज ओनली मक्का। शरीयत के एतबार से हरम मक्की, हाँ इमाम अहमद और इमाम शाफी रहिमहुमल्लाह और इमाम मालिक तीनों के नजदीक हरम मदनी भी इस तरह प्रोहिबिटेड है जिस तरह हरम मक्की है, लेकिन इमाम अबू हनीफा के नजदीक नहीं है, सही। वो फरमाते हैं कि हरम मदीना हरम है एहतराम के हवाले से ऐसा जिस तरह हरम मक्का है, लेकिन अहकाम के हवाले से ऐसा नहीं जिस तरह हरम मक्का है, क्योंकि हरम मक्का में तो हम तवाफ करते हैं, मदीना में भी हम तवाफ करते हैं, जरा जोर से नहीं, हाँ हरम मक्का में तो हम सही करते हैं, यहाँ पे भी कोई सही होती है नहीं। हरम मक्का में तो हम अरफात मिना और मुज़दलिफा पे जाते हैं, यहाँ पे भी कोई ऐसी बात होती है? हरम मक्का में हम कुर्बानी देते हैं, यहाँ पे भी कोई कुर्बानी का बकरा वगैरह ज़बह करते हैं? तो इमाम फरमाते रहमतुल्लाह अलैह एहतराम में एक जैसे हैं, अहकाम में मुख्तलिफ हैं। इमाम बड़े आदमी थे रहमतुल्लाह, इमाम बड़े आदमी थे। मैं रात जिक्र कर रहा था, दरमियान में बात छुट गई कि ये जो अइमा है रहमहुल्लाह चारों के चार, इनके यानी फिका क्या होता है? कानून। फिका क्या है? यानी फिका का अंग्रेजी में तर्जमा है ही लाज, क्या लाज, LAWS लाज, सो कवानीन। अब ये कवानीन जो उन्होंने मुरतब किए हैं, इनमें से एक भी कानून बतौर मिसाल कोई नहीं साबित कर सकता कि इस इमाम ने अपने तय बना दिया है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में अपने और अपने शागिर्दों के सहारे उसूल से 12,50,000 इश्यूज डिड्यूस कर लिए, कितने हम काउंट भी नहीं कर सकेंगे। इन लोगों ने जिंदगी लगाई, कितने कवानीन निकाले? 12,50,000, 12.5 लाख कवानीन। अब 12.5 लाख कवानीन ये उन्होंने उसने जिंदगी लगाई। उसके शागिर्द इमाम मोहम्मद अबू यूसुफ ज़ुफ़ारी इब्ने हुज़ैल हसन इब्ने ज़ियाद और इब्ने अबी मरियम, उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई तो हमारे लिए दीन को आसान कर दिया। इमाम शाफी ने अपनी जिंदगी लगाई, इमाम अहमद और इमाम अहमद, हमें शर्म आनी चाहिए जब हम किसी इमाम के खिलाफ बात करते हैं। वो उर्दू में ज़रबुल मसल के किया बिद्दी और क्या बिद्दी का शोरबा, यह हम कहते हैं ये मुंह मसूर की बात, एक जमाने में मसूर की कीमत बड़ी हुई थी तो लोग कहते थे कि ये मुंह और मसूर की दाल, मसूर की दाल भी नवाबों का काम था उस जमाने में, कि ये मुंह और मसूर की दाल, तो ये मुंह अबू हनीफा पे तंकी, ये मुंह शाफी अहमद और मालिक पर तंकी, शर्म नहीं आती? इन लोगों ने न सिर्फ ही के दीनी खिदमत की, जो बात की डंके की चोट की खड़े रहे उस पर। बनू उमैया के दौर में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जेल में रहे, थोड़े उसको पढ़ते रहे। बनू अब्बास के दौर में फिर जेल में रहे, उसको कोड़े लगते रहे। इमाम शाफी को जंजीरों में बांधकर, किसमें बांध? जंजीरों में फलस्तीन से, वहां से बेड़ियां डाल के इस तरह पैदल उठा के बगदाद तक ले आए। बगदाद उसके पांव, हत्ता के वो नमाज भी सही तरीके से नहीं पढ़ सकते थे, जो पुलिस आर्मी उसके साथ थे उससे कह देते मैंने नमाज पढ़नी है, सही, तो इस तरह नमाज पढ़ लेते। इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह उसको जेल में डाला गया, रोजाना उसको 20 कोड़े लगते रहे, रोजाना एक मसले पर। उसने कहा नहीं, बात वही है कुरान सुन्नत की जो मैंने की है। उन्होंने कहा कोर्ट की चीफ जस्टिस की पोस्ट आपका इंतजार कर रही है। उसने कहा मैं इस पोस्ट पर लानत भेजता हूं, हुकूमत के खजाने, उन्होंने मुंह खोले हुए उसने कहा खजानों पर लानत भेजता, बात वही करूंगा जो अल्लाह ने किया है, बात वही करूंगा जो रसूल पाक ने किया है, सही। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो नमाज के लिए हाथ उठाते
तो न यहां तक ले जा सकते थे, न यहां तक ले जा सकते थे। इसलिए मुबारक जब नियत बांधते हैं तो वो यहां तक ले जाते हैं। इसलिए कि एक रिवायत भी हुजूर की मौजूद है और दूसरा इमाम मालिक की सुन्नत भी मौजूद है कि इमाम मालिक जेल में उसको इतनी मार पड़ी कि उसको दोनों बाजू टूट गए और दोनों बाजू फिर सही तरीके से जॉइंट नहीं हुए तो उसमें हम नहीं आता था, इसलिए वो नियत करते तो इस तरह का अल्लाह अकबर सही, फिर हाथ नीचे करते। रिवायत भी मौजूद है लेकिन इमाम मालिक की सुन्नत भी है। आज भी आप जाए लीबिया जाए मराकश जाए एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्टली पीपल डू फॉलो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आप उन्हें देखेंगे अल्लाहु अकबर फिर हाथ इसलिए इस तरह लटका के वो नमाजें पढ़ते हैं। अब इन्होंने कोई चोरी की थी? इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह जब बहुत कमजोर हो गए जेल में, कुछ उलमा उसकी मुलाकात के लिए गए रहमतुल्लाह, मुलाकात में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर बाद के रहमतुल्लाह फलाने अल्लाह रहम फरमाए फलां पर। अब फलां उस जमाने का मशहूर डाकू था, क्या था मशहूर डाकू था। अब ये उलमा मखमसे में पड़ गए कि इमाम अहमद का किया ताल्लुक है उस डाकू के साथ कि हर 5-10 मिनट बाद वो कहते रहमतुल्लाह फलाना खुदावंदा फलां पर रहम फरमाए। तो एक ने जुरत की, हजरत शागिर्द था बहुत बड़ा आलिम था लेकिन शागिर्द था, और आपको तो मालूम है कि हमारे इस दीनी माहौल में उस्ताद का बहुत बड़ा मकाम होता है, होता है कि नहीं? जरा जोर से। अब भी मेरे दौर में असातिज़ा सारे चले गए, एक ही उस्ताद बाकी रहता है। एक तो उस्ताद पे चले गए डॉक्टर शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, एक ही बाकी रहते हैं मौलाना समीउल हक साहब सही। मैं अभी भी तेज आवाज से अपने उस्ताद के सामने बात नहीं करता क्योंकि खतरा होता है बेअदबी का कि इससे मैंने अल्लाह की बात सीखी है, इससे मैंने मोहम्मद की बात सीखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुद्दतों जब दारुल उलूम के पुराने शेख हदीस में दारुल हदीस में मैं जाता और वहां दर्स देने जाता तो मैं कभी उस स्टेज पे नहीं बैठा जहां पे मेरे शेख हजरत शेख हदीस मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठा करते थे। मैं नीचे बैठता और उस चीज को तकिया लगा के फिर दर्स दे देता कि नहीं ये बेअदबी की बात है मेरे शेख यहां बैठा करते थे, क्योंकि हम तो उस्ताद की गैरहाजिरी में उसके मुसल्ले पर भी कड़े नहीं होते। ये दीन अदब का नाम है, दीन किसी का नाम है अदब। हम जो आज टोकरे मार रहे हैं अदब का जनाजा निकल गया है, बड़े का कोई अदब बाकी रहा है बताए ना? नहीं, किसी बड़े आलिम का अदब बाकी रहा है? नहीं रहा। किसी बुजुर्ग और सफेद रीश का ये इसको फिर कहते हैं गंवार सोच, ये लोग गंवार के समझे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर इंसान में अदब और अखलाकियात ना रहे तो वह इंसान नहीं रहा, तो जब इंसान नहीं रहा तो गधे से आप क्या शिकायत करेंगे? गधे के खिलाफ आपने कहीं देखा है कोई पर्चा कटवाता है कि गधे ने मुझे लात मारी? भाई आप तरह दूर गुजर जाते, क्यों करीब आते थे गधे के? गधे पर तो पर्चे नहीं कटवाए जाते, उसके मालिक पर पर्चे कटवाए जाते हैं। तो काबिल एहतराम भाई और बुजुर्गो, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि फल युबल्लिग अश्शाहिद मिनकुम अल-ग़ाइब फरुब्ब मुबल्लिगिन औ आमिन सामिअ। तो मैंने कहा रोमची से आगे वो टाउन है, प्रोहिबिटेड एरिया, ये 70 कब्रें हैं सहाबा की, हजरत साद उनके अमीर थे। अब किया ख्याल है कि उस जमाने में चाहे ना तो अभी 50-60 साल पहले तक बंगी और जर्सी थे, ऐसा कि नहीं? ये तो मौज तम ने उनको तरक्की के लार फासले पर लगा दिया सही। तो आज पूरी दुनिया में इकोनॉमिक और सुपर पावर बन चुका है, तो ये तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि चाइना में उस जमाने में पैसे बहुत थे, हजरत 60-70 लोगों को उठा के चलो वहां जाके कोई यनमन कमाते हैं। पता नहीं चाइना की करेंसी को क्या कहते हैं, जापान वाले को तो यन कहते हैं, चाइना वाले क्या कहते हैं? डॉलर। अच्छा, तो चाइना जाते हैं वहां डॉलर कमाते हैं, वहां तो कोई तसव्वुर नहीं था। ये लोग गए वहां अल्लाह के नबी का पैगाम पहुंचाने के लिए। अब आएंगे हमारे इलाके में, पेशावर का नाम तो सुना है सही, बहुत बड़ा शहर पेशावर, तारीखी शहर। तो पेशावर शहर के पास एक यूनिवर्सिटी टाउन के करीब पलोसाई अड्डा, उसी जगह पे वहां एक कब्र है। आजमत के इजहार के लिए कब्र बहुत लंबी है कि अजीम आदमी इस पे सो रहा है। हम पश्तून उसको अस्हाब बाबा के नाम से जानते हैं,
नाम तो सुना होगा, किस नाम से सुन अस्हाब बाबा। अब ये कौन है और किस लिए आए थे? ये सिनान इब्ने सलमा इब्ने अबी मुहब्बत रजी अल्लाह तआला अन्हु होते यहां आए थे अल्लाह के नबी का पैगाम पहुंचाने। सही, आप काबुल शहर में जाएंगे, शहर के अंदर इंटरसेक्शन है, चौक है, तो वहां पे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का बेटा उसका कब्र है। लोग आते रहते हैं फातिहा पढ़ने और वहां बहुत सारे कबूतरे होते हैं, बहुत एहतराम करते हैं लोग उस जगह के। ये बंदा वहां किस लिए आए थे? काबुल में तो आज भी आम आदमी को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो ये जमाने में कोई रोटी के मारे आए थे? ये मोहम्मद का पैगाम लाए। इमाम दाऊद ने एक हदीस नकल की है, ताबी कहते हैं قال حدثني سمره بن جندب وهو بكابورا, حدثني سمره بن جندب وهو بكابورا, कि ये हदीस मुझे बयान की समरा इब्न जुंदब, मशहूर सहाबी समरा इब्न जुंदब ने, और ये उस वक्त जब वो काबुल में थे। तो समरा इब्न जुंदब हजरत मुआविया के दौर में काबुल किस लिए आए थे? अल्लाह के नबी का पैगाम पहुंचाने आए थे, क्योंकि हुजूर में इन सहाबा, तभी तो मैं कभी कभार कहा करता हूं कि देखिए ये सहाबा ये मुसलमान थे नबी की वजह से। मुसलमान थे किस वजह से? नबी ने उनको मुसलमान बना दिया, लेकिन हम और आप जो सब मुसलमान हैं, मुसलमान हैं इन सहाबा की वजह से। हमारे ऊपर एहसान है हुजूर की जमात का, हमारे ऊपर एहसान है सहाबा इकराम का। और मैं आपको एक तजवीज दे दूं, आप उर्दू तो पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। हाँ, तो अमीर साहब आए हैं, उससे कह दें कि वो आपके लिए इंतजाम करें। हजरत मौलाना यूसुफ साहब कांदेवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, तीन जिल्दों में, हयात सहाबा। क्या है हयात सहाबा? अंग्रेजी में भी तर्जुमा हो गया है, अपने बच्चों के लिए खरीद, लाइफ ऑफ कंपेनियंस, लाइफ ऑफ कंपेनियंस। तो वो किताब आप खरीदें, रात सोने से पहले एक एक सहाबी का एक एक वाकया पढ़ते जाइए, आपके दिल को जिला मिलेगी, आपके दिल को रोशनी मिलेगी, आपके दिमाग को सुकून मिलेगा, और आपके जहन में आ जाएगा कि हुजूर ने किया जमात बनाई थी, किया लोग बनाए, वो खुद कितने कामिल आदमी थे कि उसने इतने कामिल लोगों को बना दिया। क्योंकि आपको तो पता है कि क्लास की काबिलियत का क्रेडिट उस्ताद को मिलता है। सही, पाकिस्तान में इंक्रीमेंट जो लगाते हैं, अगर रिजल्ट 100% आ गया, हाँ सही, तो इंक्रीमेंट तनख्वाह में इजाफा किसको मिलता है? टीचर को, कि इसने इनको इन काबिल बना दिया। तो काबिल एहतराम भाई और बुजुर्गो, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब आए हैं तो डॉलर कमाने, लेकिन अब से नियत करें कि इसके बाद हम यहां रहेंगे कि मोहम्मद के पैगाम को किस तरह लोगों के पास पहुंचाया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, वरना डॉलर के लिए यहां रहना या जहन्नम में रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, पैसे तो काफिर थे, हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह मौला अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि पैसे तो काफिर भी कमा सकते हैं, मुसलमान को तो कमाना है दीन, उसकी तो वलीन तरजीह है दीन, ये दुनिया ये तो उसकी जिंदगी की जरूरत है, ये जिंदगी का मकसद तो नहीं। जिंदगी का मकसद तो ये है कि आप कैसे अल्लाह के करीब जाएंगे और मोहम्मद के साथ नजदीक हो जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस तरह मैंने कह दिया कि जितने आप ज्यादा मोहम्मद के करीब है उस हद तक आप इंसान हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में 10% मोहम्मद के करीब है तो आप 10% इंसान, अगर 20% करीब है तो 20% इंसान है। सही, अंबिया के बाद सबसे बड़े इंसान थे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इसलिए कि वो 100% कोशिश कर चुके थे कि मोहम्मद की तरह बन जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए तो उसके दिल पर रिफ्लेक्शन होता था, जो बात हुजूर के जहन में होती तो कहने से पहले अबू बकर के जहन में आ जाती। अभी मोहम्मद कहे नहीं होते, उसकी राय वो होती। मसलन ग़ज़वे बदर में जब 70 कुफार वो कैदी बन के लाए गए, कैदी बन के लाए गए, तो ये चूंकि पहली बाकायदा जंग थी जिसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर या POWs या कैप्टिव्स आए थे, अब इन कैदियों के साथ किया गया है, इसके लिए अभी तक कोई कानून नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पे उसके पास कोई अल्लाह का पैगाम न होता और इशू निकल आता तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सहाबा से मशवरा करते, उनकी राय लेते। और उसके दो एडवाइजर्स थे हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मा मिन नबी इल्ला वलहू वज़ीरान मिन अहलिस समा व मुशीरान मिन अहलिल अर्ज़
فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا مُشِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ کہ ہر نبی کے لیے اللہ نے دو وزیر مقرر کیے تھے اور دو مشیر ٹو منسٹرز یا سیکٹری کہتے ہیں یا منسٹر کو کیا کہتے ہیں سیکٹری کہتے ہیں ٹو سیکٹریز مقرر کیے تھے اور ٹو ایڈوائزرز تو فرمایا میرے لیے بھی اس طرح کیا ہے تو میرے جو دو سیکٹریز ہیں اہل آسمان سے وہ جبریل اور میکائیل ہیں اور میرے جو دو ایڈوائزرز ہیں اہل زمین سے وہ ابو بکر اور عمر ہیں اور واقعی انہوں نے تو کمال کر دیا ابو بکر عمر ان دونوں نے کمال کر دیا ایسی وفا کی کہ صرف زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی وفا کی صحیح حضور کے پہلو میں دونوں پڑے ہوئے اور حضور پاک نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن زمین سے اسرافیلی سور پونکنے کے بعد سب سے پہلے نکلنے والے آدمی میں ہوں گا اور فرمایا کہ میں ہوں گا میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا اب یہ تفصیل تو نہیں کہ آیا باقی انبیاء ابو بکر و عمر کے بعد نکل آئیں گے یا وہ آلریڈی نکلے ہوئے ہوں گے لیکن حضور جب نکلیں گے تو یہ دونوں لیکن حضور نے ان کا مقام بتلا دیا کہ ابو بکر کا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ میرے بائیں ہاتھ میں تو انہوں نے تو وفاداری میں کمال کر دیا وفاداری میں کمال کر دیا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ استوار کرو گے اتنی ہی انسانیت آپ کو ملے گی کیونکہ وہ منبع ہے انسانیت کا اور انسانیت آتی ہے کس چیز سے اخلاق اور کردار سے اور میں نے کہا کہ اخلاق اور کردار یہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک کو کہتے خلق حسن جو میں نے بتا دیا کہ تپڑ کا بدلہ تپڑ سے لیکن اضافی تپڑ نہیں دینا اور دوسرا ہے خلق کریم کہ تپڑ کا بدلہ تو نہیں دیا صحیح خاموش رہے معاف کر دیا اور تیسرا ہے خلق عظیم کہ تپڑ کا بدلہ تو کیا لے دے جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کو بھی دے دیے کہ یہ آپ اپنی ضرورت سے لگائیں یا اپنے کیونکہ آپ پہ ذرا ٹینشن ہے اس لیے آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی سر آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی بزرگوں کا یہی سب مولانا الیاس صاحب کا اندیل رحمۃ اللہ علیہ ایک بار میں واقعیوں کی جماعت لے گئے تھے ایسے علاقے میں جہاں سخت سردی پڑ رہی سر تو جماعت کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور امیر صاحب وہ آداب بتا دیتے ہیں کہ نہیں بتا دیتے ہیں صحیح مثلا یہ کہ بھائی اپنے سامان کی خود حفاظت کریں تاکہ آپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی دوسرا گناہ کا مرتکب نہ ہو یہ آپ کی غفلت کی وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ایک آدمی نے آ کے مولانا صلی اللہ علیہ سے کہہ دیا حضرت میرے جوتے نہیں ملے میرے جوتے نہیں ملے تو حضرت نے اس سے پوچھا جوتے کہاں رکھے تھے اس نے باہر مسجد سے چھوڑ لیے تھے اس نے کہا جی باہر رکھے تھے اس نے کہا تو یہاں پہ جگہ بنی ہوئی یہاں کیوں نہیں رکھا اس نے کہا جی میں نے باہر چھوڑ دیے اس نے کہا آپ کے غفلت کی وجہ سے کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو گیا صحیح اب اس کو اس میں سزا ملے گی قیامت کے دن تو ابھی آپ نے اس کے لیے کفارہ ادا کرنا ہے تاکہ اس کی گرفت نہ ہو اس نے کہا جی میں کیا کفارہ ادا کروں اس نے کہا جا کے وضو بنائے سخت سردی پڑ رہی تھی وہ وضو سے تھا اس نے کہا نہیں جا کے اس نیت سے وضو بنائے اب پائپ کا ٹھنڈا پانی یا کوزے کا ٹھنڈا پانی وہ ٹٹر رہا تھا اس نے وضو اس نے کہا ابھی آپ 20 رکعت نماز پڑھیں تو اس نے 20 رکعت نماز پڑھی اس نے کہا ابھی آئے دعا کریں کہ خداوندہ میری غفلت کی وجہ سے وہ مسلمان گناہ کا مرتکب ہوا میں اس کو معاف کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں خلق عظیم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ الْعَظِيمِ اور خلق عظیم کا مظاہرہ کیسے کیا میں نے بتا دیا حضرت بلال کو تو وہ مکے والے یہاں پہ رسیاں باندھتے اس کے باڈی کو گھسیٹتے رہے مکے کے چٹانی راستوں میں جو ساری پتریلی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے وہ گستے جاتے اور خون نکلتا رہتا اس کو زمین پر گرم ریت پہ لٹا کر اس کے اوپر بڑا سا راک رکھ دے وہ نیچے سے کہتے کہ احد ورسول محمد اللہ ایک ہے محمد اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن خلف خبیث جو اس کے مالک کا بھائی تھا امیہ ابن خلف کا اس نے آ کے اس کو چوک کیا حضرت بلال نے کہا میری بالکل آنکھیں نکل آئیں میرے بالکل
आंखें निकल आई और मैंने कहा कि बस ये आज मुझे नहीं छोड़ेगा। अल्लाह उमर इब्न यासिर को उसका मालिक अंगारों पर लिटा देता है कि मोहम्मद से लौट के आ। उसने कहा कि इम्कान ही नहीं। खुद फरमाते हैं कि एक बार रसूल पाक करीब से गुजर रहे थे, सफा के करीब इस मैदान में जो अभी फ्लैट है, इस मैदान में मुझे अंगारों पर लिटाया गया था, मेरा गोश्त बुनता रहता, उसकी बू फैलती रहती, रसूल पाक करीब से गुजर रहे थे, मेरी हालत देख के वो कुछ कर तो नहीं सकते थे। उसने अपने चेहरे को डांप दिया अपने क्लोथ से और कहा कि या ना रुकूनी वरदम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुंता अला इब्राहिम। ओ आग अम्मार के लिए ऐसे ठंडा हो जा जिस तरह आप इब्राहिम के लिए ठंडे हो चुके थे। तो अम्मार फरमाते हैं इस कौल के बाद अगर वो लोग मुझे अंगारों पर लिटाते भी तो मुझे एहसास ना होता, क्योंकि हुजूर ने हुक्म दे दिया था कि या ना रुकूनी वरदम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुंता अला इब्राहिम। तो मैंने अर्ज किया कि ये दीन और दीन का तकाजा, हम तो सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्होंने इस दीन को जिंदा रखा, इस चिराग को बुझने न दिया। इमाम अबू हनीफा ने दोनों हकूमतों में जेलें काटी, जनाजा भी जेल से निकला, अहमद इब्न हंबल का जनाजा भी जेल से निकला। उलमा मुलाकात कर रहे हैं, वो डाकू के लिए दुआ कर रहा है रहमतुल्लाहु फलाना खुदावंदा फला पर रहम फरमा। उन्होंने कहा ये कौन हजरत? उसने कहा वो फला साहब जो बड़ा मशहूर है। उसने कहा वो डाकू? उसने कहा हाँ। उसने कहा आप उसके लिए दो? उसने कहा मैं जो पहले दिन आया जेल में लाया गया और फैसला हो गया कि रोजाना सुबह अहमद इब्न हंबल को 10 दुर्रे पड़ेंगे, 10 कोड़े मारे जाएंगे। तो जब ये फैसला जेल वालों ने सुना तो वो डाकू मेरे पास आया। उसने कहा जी मेरा नाम फुलान है। मैंने कहा अच्छा वो फुलान जो सारे लोग? उसने कहा जी सादा अंदाज से कहे वो फुला डाकू। इमाम अहमद तो हया की वजह से उसको डाकू नहीं कहना चाहता। उसने कहा वो फुला जो बहुत मशहूर है लोग उसे जानते हैं। तो उसने कहा जी सादा अंदाज से कहो फुला डाकू मैं वो हूं। मैंने कहा अच्छा तो अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। उसने कहा हजरत आपके पास मैं आपका अकीदतमंद हूं, मैं खुद बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, डाकू हूं, डाके डालता रहता हूं और ये मेरी चौथी बार है कि मुझे गिरफ्तार किया गया और हर बार जब मुझे जेल की सजा सुनाई जाती है तो रोजाना मुझे 20 कोड़े लगते हैं। कितने कोड़े? 20 कोड़े। लेकिन इस्तेकामत और स्टेबिलिटी मुझमें इतनी है कि मैं जेल से बाहर निकलता हूं तो फिर वही काम शुरू कर देता हूं, मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। और आप तो अल्लाह के लिए आए हैं तो अब ये आपको कोड़े मिलेंगे, ऐसा ना हो कि आपके पाए सवाल में कोई लफ्जश आ जाए, आप कोई नरमी ना दिखाए। इमाम अहमद फरमाते हैं मुझे जब कोड़ा पड़ता है तो डाकू का कोल याद आता है कि वो तो डाके जैसे गुनाह से नहीं लौटता, डर की वजह से, सजा की वजह से, मैं अल्लाह की बात इसलिए मैं उसके लिए दुआएं करता रहता हूं कि उस आदमी की बात ये मेरी इस्तेकामत का जरिया बन गया। तो काबिल एहतराम भाई और बुजुर्गों मैं अर्ज ही कर रहा था कि फल युबल्लिग शाहिदु मिनकुमुल गाइबा, जो लोग हाजिर हैं मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता के लोग देर सारे सुनने आए या दो चार लोग हैं, मुझे उन दो चार लोगों की कैफियत से फर्क पड़ता है कि वो अटेंटिव सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। अब बोले बगैर मेरे भाई उस दो मुसलमानों को वहां बिठा के उनको तर्जुमा करवा रहा है। तो इसका माना यह है कि आप लोगों में तरफ है कि आप दीन की बात सुने और दीन की बात को समझे, वरना वो दोनों जवान अल्लाह उनका भला कर दे वो उठ खड़े हो जाते कि भाई उर्दू में बात हो रही हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा। लेकिन मैंने इब्तिदा में जब अंग्रेजी में शुरू कर दिया वो दोनों नौजवान बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे, लेकिन फिर आप लोगों का तकाजा है अपनी जुबान की तो मैंने कहा चलो उसमें तब आजमाई की जाए। तो एनीहाउ मैं अर्ज ये कर रहा था कि वल्ली वल्ली के शायद मिनकुम अलगाइबा, अगर आप 100% न याद कर सके कोई 10% तो समझ आ जाए, 5% समझ आ जाएगी, ऐसा तो नहीं कि 1% भी समझ नहीं आए। जब एक बात की समझ आए अभी जाके सबसे पहले तो घर में बताए कि तालिब इल्म आया था दीन का, क्योंकि मैं हूं तालिब इल्म, अल्लाह मुझे मरते दम तक कुरान और सुन्नत का तालिब रखे, ये बढ़कर सआदत है अगर कोई बंदा तालिब इल्म होके मरे, दीन का तालिब होके मरे। तो अर्ज ये कर रहा था कि आप सबसे पहले की बात घर में बता दें,
फिर अगर कहीं किसी दोस्त के साथ मुलाकात हो गई तो उन्हें कह दे कि भाई आज कैलिफोर्निया से एक तालिबे इल्म आया था, वो तालिबे इल्म साहब ये बात कर चुका था कि हुजूर ने ये बात फरमाई है, अल्लाह का हुक्म ये है। तो आज का पैगाम वो ये कि सारे अंबिया जो आए थे अलैहिस्सलाम और तस्लीमात, वो इसलिए नहीं आए थे कि वो आपसे कह रहे थे कि बस सिर्फ नमाजें पढ़ो, आपसे कह रहे थे रोजे रखो, आपसे कहा ये वजीफा पढ़ो ये वजीफा, ये सारे फराइज है वो तो आपने करने ही है। मैंने कहा कि दे केम टू मेक ह्यूमन बाई फीचर ह्यूमन बाई नेचर, वो सारे आए थे कि ये जो जाहिरी शक्ल सूरत इंसान का है ये माना के एतबार से इंसान कैसे बनेगा। अब अगर आप कंपेरिजन करें तो अबू जाल हैवान से और पिग से बदतर था, और बेहतरीन इंसान था हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, बेहतरीन इंसान थे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, बेहतरीन इंसान थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, बेहतरीन इंसान थे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, बेहतरीन इंसान थे हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम। तो एनीहाउ मैं अर्ज कर रहा था कि कल के दोनों बयानों में मैंने सूरह फातिहा की आखिरी आयात के मुतालिक बात की कि इहदिनस सिरात मुस्तकीम, ये खुदा बंदा हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, अब सिरात मुस्तकीम किया है। हुजूर से पूछा गया वमस सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम जी कौन सा रास्ता है, कैसे पहचान और शनाख्त होगी? हुजूर पाक ने फरमाया हुआ मा अना अलैहि व असहाबी, ये वो रास्ता है जिस पे मैंने जिंदगी गुजारी और मेरे सहाबा ने जिंदगी गुजारी, तो आप मुझे फॉलो करें मेरे सहाबा की जमात को फॉलो करें। अब जो लोग हुजूर को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं सुन्नत वाले, और जो सहाबा को फॉलो करते हैं उसको कहते हैं जमात वाले, और हमने तो फॉलो करना है दोनों को, तो हमें कहते हैं सुन्ना और जमात वाले। क्या ये अहले सुन्ना वाल जमात है कि हुजूर के पीछे लगे हुए हैं, हुजूर के सहाबा के पीछे लगे हुए हैं? वाह वाह है। अगर आप लोगों ने सहाबा की जमात को दरमियान से निकाला तो आपके लिए सोर्स और वसीला किया है दीन कहां से लोगे? फिर पहले ही दिन तो आपने इस कुरान से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि ये कुरान करीम हमारे लिए महफूज किया किसने किया? हुजूर ने खुद लिख लिया था? नहीं, हुजूर ने खुद लिखा नहीं, किसने लिखा? सहाबा ने लिखा। फिर कंपाइलेशन ऑफिशियली किसने की? हजरत उस्मान ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, वरना हुजूर के जमाने में तो हर सहाबी अपने लिए लिखता, तो किसी के पास दो पारे होते, किसी के पास तीन पारे होते, किसी के पास एक सूरत होती, किसी के पास दस सूरतें होती। तभी तो हजरत अबू बकर ने जब पहली कंपाइलेशन शुरू कर दी, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं थी, तो उसके लिए हजरत ज़ैद इब्न साबित को मुकल्लफ किया। हजरत ज़ैद इब्न साबित वो तो पूरे कुरान का हाफिज था, और पूरे का पूरा कुरान क्योंकि वो ऑफिशियल इंस्क्राइबर था, वो मीर मुंशी था हुजूर का अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो हेड क्लर्क था हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट था हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उसने इस पे इक्तिफा नहीं किया, शायद मैं कुछ मिस कर चुका हूं, तो वो उसके लिए ताईद ढूंढता है, और कम से कम दो ताईद वो ढूंढता, एक हाफिजे वाला एक लिखी हुई। तो जब उसको किसी एक सहाबी के पास एक आयत लिखी हुई मिल जाती कि हाँ ये आयत है आपके पास, तो फिर वो पूछता जिसको याद है ये आयत, तो कोई कह मुझे याद है, तो वो पढ़ लेता, फिर हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला उसको लिख लेता। हजरत उस्मान के जमाने में ये आज की जो सेंट्रल एशिया है इसमें दो स्टेट हैं बड़े मशहूर, एक क्रिश्चियन स्टेट है और एक शिया स्टेट है, एक को कहते हैं आर्मेनिया और दूसरे को कहते हैं आज़रबैजान। आज़रबैजान वाले सेंट्रल एशिया के शिया सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं, और आर्मेनिया वाले मेजॉरिटी वो क्रिश्चियंस हैं। आर्मेनिया और आज़रबैजान इमाम बुखारी ने हदीस नकल की किताब अल मगाज़ी में कि हजरत उस्मान के जमाने में हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो आर्मी के जनरल थे। कौन थे? हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला। हुज़ैफ़ा इब्न यमान बहुत बड़े सहाबी हैं, ये वाहिद आदमी हैं हुजूर पे हमला करने वाले तबूक के मौका पर जो मुनाफिकीन थे मुंह छुपाए गोरियों की तरफ, हुजूर पर हमला किया दो पहाड़ों के दरमियान कैनियन में। हजरत अम्मार इब्न यासिर और हुज़ैफ़ा इब्न यमान सिर्फ वो दो थे सहाबा के हुजूर के साथ रात की तारीकी में, उन्होंने फौरन उनको दुत्कारा और पीछे मोड़ लिया, लेकिन पहचाना नहीं कि कौन थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुज़ैफ़ा से कह दिया आगे किसी जगह आराम करते हुए कि एक फलां था, एक फलां था, एक फलां था, और उनके पीछे फलां 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 ये मुनाफिकीन।
उनके भाई ने बता दिया, लेकिन हुज़ैफ़ा से कहा किसी को बताना नहीं, वरना फिर तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुसलमानों को, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो फरमाया कि हुज़ैफ़ा किसी को बताने ना। अब ये पता तो सहाबा को लग गया कि मुनाफिकीन और उनके सपोर्टर्स के नाम हुज़ैफ़ा को मालूम है रज़ी अल्लाह अन्हु। हुज़ूर का जमाना गुजर गया, हजरत अबू बकर का जमाना गुजर गया, हजरत उमर जब खलीफा बने तो एक बार मस्जिद में जो नमाज पढ़ी और इस तरह मुड़ गए, हुज़ैफ़ा वहां बैठे थे, बाकी लोग चले गए, हजरत उमर उठ के हुज़ैफ़ा के पास आए, खलीफा बादशाह हुक्मरान हजरत उमर ने कहा हुज़ैफ़ा, ने कहा जी, उसने कहा वो मुनाफिकीन कौन कौन थे, वो मुनाफिकीन वो कौन कौन थे जो हुज़ूर ने आपको नाम बताए। हजरत हुज़ैफ़ा ने उसने कहा अमीरुल मोमिनीन वो राज है, हुज़ूर वो सिर है, वो सीक्रेट है, उसको मैंने लीक नहीं करना, अपने साथ कब्र में लेता हूं। हजरत उमर चले गए, दूसरे दिन फिर हजरत उमर को कुछ सूझी, फिर उसको अकेले पाकर उसके पास आ गए, हुज़ैफ़ा वो यार बताए ना वो कौन। उसने कहा अब जरा उसका टोन थोड़ा सा सख्त और वसीला हो गया। उसने कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैंने आपके इताअत का प्लेज ऑफ अलीजेंस दे दिया है, मैं आपकी नाफरमानी नहीं कर सकता, अमीर हैं आपके हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता, लेकिन आपका हुक्म उसी वक्त तक जब तक कि वो अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ ना हो। हजरत उमर समझ गए कि मसला बड़ा सेंसिटिव है, मसला बड़ा, उसने कहा कि मैं हुक्म तो मानूंगा लेकिन तब तक जब आपका हुक्म अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ना हो, रसूल पाक के हुक्म के खिलाफ ना हो। तो हुजूर ने मुझे हुक्म दिया था कि सीक्रेट है, उसने कहा मैं तो मरूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं। तो हजरत उमर ने कहा भाई टेक इट इजी, मैं भी आपसे कोई लिस्ट नहीं मांग रहा, सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि उनमें मेरा नाम तो नहीं। तो हजरत हुज़ैफ़ा ने कह दिया कि नहीं नहीं तुम्हारा नाम उनके सपोर्टर्स में नहीं। हजरत उमर ने झमक कर उसने कहा फिर तकबीर, जब हम नहीं पंसे हुए हम तो जन्नत में जाए, हमें उनका किया। ये लोग हजरत उमर कितने पक्के मुसलमान, तभी तक अपने आप पे वो खतरा महसूस कर रहे थे, कभी मुझसे कोई मुनाफकत तो नहीं हुई, हम तो दिन रात मुनाफकत में लगे रहते हैं, अल्लाह बचाए रखे। मैं अभी ये शेख रमीन से कह रहा था, कुछ बात कर रहे थे, मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड दे गॉट इनवॉल्वड इन मुनाफकत एंड हिपोक्रेसी, इनके हुक्मरान मुनाफकत करते हैं, इनकी अथॉरिटीज मुनाफकत करते हैं, और बेअदबी माफ हम मौलवी भी मुनाफिक हैं, हम भी अपने मफाद को देखते हैं कि कौन सी बात मस्जिद में करें जिससे लोगों के तेवर न छड़ जाए, और मेरा 1200 या 1500 रुपए जो मुझे मिलता है वो कहीं बेड़ा गर्क ना हो, आपको भूखा मरना चाहिए। क्योंकि अगर मौलवी दीन की बात दंगे की चोट में करे, जिब्रील आएगा यहां, कोई खबर है आपके पास से वो बास्तु में आने वाला है, फिर वो हक की बात करेगा। मिकाइल आएगा, मिकाइल आएगा। मैंने कहा कि मौलवी को सबसे पहले प्रैक्टिस करना है वो दीन जो उसने सीख लिया है। डॉक्टर तभी तक डॉक्टर रहता है जब वो जो कोर्स पढ़ के MD बने और वो मेडिसिन का क्लिनिक चलाता रहे, हॉस्पिटल में जाता रहे, प्रैक्टिस करता रहे। अगर वो 2 साल प्रैक्टिस से दूर रहे तो फिर उसको कुछ समझ आती है, उसको सरदर्द की गोली का भी कुछ पता नहीं होता, क्योंकि तभी तक तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो जाती होती है, उसको पता नहीं होता कि अब टायरान का कौन सा वर्जन आ गया है मार्केट में, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता। इंजीनियर अगर इंजीनियर नहीं करता वो स्ट्रक्चर बना सकता है, वो तो फील्ड से निकल गया। तो मैंने कहा मौलवी अगर प्रैक्टिस नहीं करता, मौलवी अगर तो इसको कोर्सेस और खाप के पर लगे हुए हैं, तो प्रैक्टिस बुनियादी चीज है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अपने शागिर्द नाफे से फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से सूरह बकरा 8 सालों में सीख लिया है। सूरह बकरा 8 साल कहें 8 सालों में हजरत नाफे चौंक गए जी 8 साल। उसने कहा असल में मेरा तरीका यह था कि जिस आयत को उसके मुताल्लिकात को उसके एप्लीकेशन को उसके एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन को हुजूर से सीखता तो जब तक उस पर अमल न करता तो नया सबक न देता। मैं पहले उसको प्रैक्टिस करता फिर आता कि जी अब मुझे नया सबक, क्योंकि वो मेरे बातें में टेस्ट कर चुका, वो मैं अमली मैदान में ले जा चुका।
तो बुनियादी बात है अमलियत की, और अमलियत में इखलास, और ये कब आएगा? जब अखलाकियात का लेवल ऊंचा हो जाए। अखलाक, तो मैं कह रहा था कि इस्लाम के चार ब्रांचेस हैं। एक है फेज एंड बिलीफ, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए islammasjid.com, तो वहां पे एक आर्टिकल है कि इस्लाम द ओनली चॉइस व्हाई। वो हमारे इलाके में मुख्तलिफ इलाकों में, तो वो आर्टिकल लोग दावत के लिए यूनिवर्सिटी वगैरह में स्टूडेंट्स हमारे मुसलमान होते हैं वो उसको दे देते हैं नॉन मुस्लिम्स को, कि जरा ब्रीफली आपको इस्लाम की समझ आ जाए। इस्लाम द ओनली चॉइस व्हाई, वो आर्टिकल है, मौजूद है, अमीर साहब से कर ले लें आपको वेबसाइट, तो वहां पर आप जाएंगे, बल्कि अब वो किताबी शक्ल में भी आने वाला है। तो अर्ज ये कर रहा था कि अब चार ब्रांचेस हैं, एक है फेथ एंड बिलीफ्स जो सात है। अब ये सात एज ए होल आपने अपनाने हैं, इसमें पिक एंड चूज नहीं होगा। वजू के फराइज कितने हैं जरा दोस्त, क्योंकि आप अक्सरियत हनफिया हैं इसके चार कहते हैं, सही, वरना जमहूर के नजदीक छह हैं। इमाम मालिक, इमाम शाफी और अहमद इब्न हंबल के नजदीक छह हैं, क्योंकि उन्होंने नियत को भी इंक्लूड कर दिया है। अब अगर आपने वुजू के सारे आमाल कर दिए लेकिन आपका इरादा, या लेट्स से लाइक दिस, यहां पे तो बारिशें बहुत बरसती हैं, आप सर तापा बारिश में भीग गए, तो आपका मुंह धुल गया कि नहीं? जरा जोर से, सर का मसा हो गया कि नहीं? हाथ धुल गए कि नहीं? पांव, बल्कि सब कुछ धुल गया। सही, इमाम मुनीब फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, नाउ यू कैन गो एंड परफॉर्म योर प्रेयर बिकॉज योर वुजू इज डन ऑटोमेटिकली। अगर जो आपका इंटेंशन नहीं था, बारिश ने आपको दुलाया, तो बाकी आगे आप नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता वुजू का जो अजर है वो आपके क्रेडिट पर नहीं आएगा, सही, लेकिन बाकी तीन अइम्मा के नजदीक इस पर आप नहीं पढ़ सकते नमाज, क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था। उन्होंने कहा हाँ, जब बारिश शुरू हो गई तो आपने उसी वक्त इरादा किया कि ये जो बारिश मुझे दुला रहा है ये मेरा वुजू भी है, तो फिर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये इरादा नहीं था तो इस तरह दुलने से, क्योंकि नियत फर्ज है, नियत फर्ज। फिर ये जो सीक्वेंस है, तरतीब, क्या बताएं, तरतीब, और तरतीब कुरान करीम के अंदर है, इज़ा कुंतुम इलस्सला फ़ग़सिलू वुजूहकुम मुंह धोएं, व एदियकुम इलल मराफ़िक़ हाथ धोएं कोहनियों समेत, वमसहू बिरुउसिकुम सरों पर मसा करें, व अर्जुलकुम इलल काबैन और पांव धोएं एंकल्स तक। एंकल्स को उर्दू में क्या कहते हैं? टखने, अच्छा, तो ये टखने, तो टखनों समेत। अब ये चार चीजें आयत में जिक्र है इस सीक्वेंस में, तो वो तीनों अइम्मा कहते हैं कि अगर इसको इस तरतीब से आपने नहीं धोया, यानी पहले आपने पांव धोए और फिर आपने मुंह धोया और फिर आपने सर पे मसा किया और बाद में हाथ धोए, वो कहते हैं इट्स नॉट वुजू, क्योंकि वो तरतीब और सीक्वेंस फर्ज है। इमाम मुनीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वहां पे जो ओ का कलिमा है, लेट्स मी टेक यू टू अरबिक लिटरेचर एंड टू अरबिक ग्रामेरियन, कि वो वाओ एंड अंग्रेजी में तो कहते हैं एंड, उर्दू में कहते हैं और, पश्तो में कहते हैं आओ, सही। तो ये जो कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन एंड एंड वाला, ये एंड, ये सिर्फ जॉइंट के लिए, तरतीब के लिए है। तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं ये ग्रामेरियन के नजदीक सिर्फ जॉइन करने के लिए, तरतीब और सीक्वेंस के लिए नहीं है। तो अगर आपने कह दिया कि जानी व जैद व अमर व खालिद, मेरे पास आए जैद, अमर और खालिद, तो यू डोंट बी कि पहले जैद आए, फिर अमर आए, फिर खालिद आए, लेकिन आपका माना है कि वो तीनों आए थे। शायद खालिद पहले आया हो, अमर दरमियान में आया हो, जैद बाद में आया हो, लेकिन आपने जिक्र इस तरह कर, ये इमाम अबू हनीफा का मसला है। लेकिन वो कहते जब आपने कह दिया जानी जैद वो अमर व खालिद, मेरे पास जैद आया, अमर आया, खालिद आया, तो इसका माने कि पहले जैद आया, उसके बाद अमर आया, उसके बाद खालिद आया। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं उसके लिए दूसरा कलिमा है ग्रामेरियन के नजदीक अरबिक में, वो क्या है? फा जानी जैद देन, देन इट इज नॉट एंड, अंग्रेजी में उसके लिए है क्या? देन, टी एच ई एन, फिर जैद आया, फिर अमर आया, फिर सो कीप इन माइंड जो मैं आपसे कह रहा था कि किसी भी इमाम ने कभी भी एक बात अपने कहीं नहीं की, उनका इख्तलाफ हुआ किसी लफ्ज में, ग्रामर के एतबार से, सही, उनका इख्तलाफ हुआ किसी लफ्ज के माना के एतबार से,
कि इसका माना यह मान उन सारों को अल्लाह करीम ने इतने दर्जात दिए होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देख लिया था जब अभी तक वो इज्तिहाद शुरू न कर चुके थे और करने वाले थे। तो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन जो ख्वाबों की ताबीर के इमाम थे और इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब की वजह से पढ़ रहे थे कि ये कैसा ख्वाब है। उसने ख्वाब में देखा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को खोल रहा हूं। सही, अब खैर के लिए कौन है, शर के लिए बेअदबी का तसव्वुर तो है कि नबी करीम का कब्र खोद रहा। तो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन से पूछा कि इमाम मोहम्मद यार के ख्वाब देख लिया है सुबह से मैं खोल रहा हूं, ये क्या है, मुझे तो बहुत खौफ सा हो रहा है। कि उसने कहा कि अबशिर या नौमान, इमाम का सलाम क्या था, नौमान, क्या नौमान आप खुशखबरी कबूल करें। उसने कहा कैसी खुशखबरी। उसने कहा कि हुजूर के इल्म खोदने के लिए अल्लाह ने आपसे वो काम ले रहा है कि उम्मत में किसी से नहीं लिया होगा, और वाकई वो काम ले लिया। आज की दुनिया में मुसलमानों की 67% आबादी ये तकलीद कर रही है, किसकी, इमाम अबू हनीफा की रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब इहदिनस सिरात मुस्तकीम, के खुदा बंदा हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम बना दे, क्योंकि ये दुआ कोई काफिर तो नहीं कर रहा, मुसलमान कर रहा है। तो वो सिरात मुस्तकीम पर तो है, आपने नमाज पढ़ी तो आप गलत रास्ते पर थे, सही रास्ते पर थे, वो गलत रास्ते पर जो है वो तो अभी बाहर नहीं बैठे होंगे कहीं, क्योंकि संडे वो एंजॉय करते रहेंगे एंजॉय करते रहेंगे, या कहीं गैम्बलिंग में बैठे होंगे, किसी दूसरी बदकारी अल्लाह बचाए रखे। सही, तो आप जो मस्जिद में आए नमाज पढ़ी तो आप सिराते मुस्तकीम पर हैं, लेकिन खतरा तो हर कदम कदम पर है, खतरा हर कदम कदम पर है कि आदमी फिसले या कोई एग्जिट ले ले, या कोई एग्जिट मुझसे कभी पुकार कोई मालूम करता है वो जी फलां साहब कहां है, तो मैं कभी पुकार से कहते हो कि जहां पे वो है वो जगह अगर मैं खुद जाना शुरू कर दूं तो मैं पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं आपको कोई टर्म दो स्ट्रीट और उसका नाम नहीं बता सकता। मैंने कहा कि मैं ये डायरेक्शन में बड़ा कमजोर हूं, कभी इस पर तवज्जो नहीं दिया। तो एक बार मुझसे पाकिस्तान में अभी जो गुजस्ता साल गया था उससे व्यवस्था साथ, तो एक साहब ने पूछा नहीं एक आदमी, उसने कहा कादिर साहब आपको हमने कभी ज्यादा नफल पढ़ते नहीं देखा। मैंने कहा भाई मैं तो फर्ज भी पढ़ लेता हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा बंदा आपकी मेहरबानी जो आपने तौफीक दे दी। तो उसने कहा कि जी ज्यादा नफल पढ़ने अच्छे नहीं। मैंने कहा बहुत ही अच्छे हैं, बड़े दर्जात मिलेंगे। तो फिर उसने कहा फिर आपको कभी नहीं देखा। मैंने कहा भाई मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं, मैं तो फर्ज पढ़ लेता हूं तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अब वो आदमी सीधा साधा है, तो तीसरी बार जब सवाल किया कि खालिद साहब फिर आपको हमने ज्यादा नफल पढ़ते कभी नहीं देखा। सही, तो मैंने कहा एक बात बताऊंगा आपको। उसने कहा हाँ। मैंने कहा यार जन्नत बहुत वसी जगह है, अगर मैं ज्यादा नफल पढ़ू तो शायद फिर डाउनटाउन में मुझे बंगला इलाट हो जाए, और मैंने कहा कि मैं ड्राइविंग में बड़ा कमजोर वाकई हुआ तो इसलिए सिर्फ फर्ज या सुन्नत पढ़ता रहता हूं कि मेन गेट के पास कोई बंगला मंगला मिल जाए ताकि ज्यादा सफर न करना पड़े, वो हंस पड़ा। तो एनी हाउ मैं अर्ज ये कर रहा था कि इहदिना अस्सिरात मुस्तकीम, खुदावंदा हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रखे, और ये सिरात मुस्तकीम कौन सा है, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है जिस पर आपने इनाम दिया है, और ये इनाम वाले कौन है, वमन युति अल्लाह व रसूल فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ أَنْبِيَاءَ। सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का है अंबिया पे, वो सिद्दीकीन सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा शहीद हैं, वो सालिहीन नेक पाइस और कमिटेड मुसलमान हैं जो प्रैक्टिकल हैं। अल्लाह करीम हमें भी उनके रास्ते पर। अब ये सिरात मुस्तकीम इन डिटेल आप कहां से मालूम करोगे, तो जो आयतें मैंने आज पढ़ी थी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अल्लाह करीम फरमाते सिरात मुस्तकीम के तायुन का वाहिद तरीका है इस कुरान को समझना, कि ये कुरान ही सिरात मुस्तकीम है, इस कुरान को फॉलो करोगे ये सिरात मुस्तकीम है। हजरत आयशा से पूछा गया कि कैफ कान खुलुक रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के रोजमर्रा के अतवार व आदात अखलाक व आमाल किया थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात किया करते थे, किस तरह जिंदगी को, हजरत आयशा ने फरमाया कि कान खुलुकुल कुरान, आपके अतवार व आदात बस कुरान को पढ़िए, ये उसकी प्रैक्टिस थी।
जो कुछ कुरान में है हुजूर अलैहिस्सलाम उसको अमली नमूना दे देते हैं, इसलिए हुजूर का अमल और हुजूर का कौल इसी कुरान की तशरीह बन गया और सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ हदीस और सुन्नत। इसलिए इस्लामिक लॉ का मेरी किताब छप के आ गई है साइंस ऑफ हदीस, उसमें मैंने इन डिटेल्स यही बातें लिखी है साइंस ऑफ हदीस में, सही। क्योंकि आज के दौर में फितना एक तो नहीं है, एक फितना आपको मिलेगा इनकार हदीस का, सही। दूसरा फितना आपको मिलेगा कि दीन को समझने के लिए किसी मोली मोली की जरूरत नहीं, खुद बस पढ़ते रहो समझते रहो, खुद पढ़ते रहो हाँ और समय। तो एक साथी ने किसी मौली साहब से पूछ लिया कराची का, तो वो नमाज को ना तोड़े कि मेरी वजू टूट गई है, तो आके उचे या आवाज महसूस हो या उसको बदबू महसूस हो, सही। तो उसने कहा कि अगर मेरी हवा निकल भी जाए लेकिन अगर आवाज महसूस ना हो या बदबू महसूस ना हो तो फिर मैं नमाज पढ़ता रहता। तो उस मौला ने उसे कह दिया तभी तो आपका बेड़ा गर्क है, तभी तो आपका बेड़ा गर्क हो चुका है कि बगैर मौली को के दीन को समझने की कोशिश कर सारी नमाजें आपने बगैर वजू की पढ़ी है बदबख्त। उसका माना यह कि वहां पे कोई मूवमेंट हो जाए और आपको शक पड़ जाए कि पता नहीं कोई नर्वस सिस्टम वो हरकत कर गया या कोई हवा निकल गई, तो उसी शक से निकलने के लिए यही तरीका है कि जब आप बदबू महसूस करें या आपको आवाज सुनाई दे, और जब आप कन्फर्म है कि हवा निकल गई उसमें यह हदीस अप्लाई नहीं होता। तो एनीहाउ मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये कुछ बातें थी, ये दिली दर्दता और तड़पता जो आपके सामने पेश कर दिया। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे दे जो आप सुनने के लिए इतने अटेंटिव बैठे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाईन। اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقلوبنا واستغفراتنا ودعواتنا وشفاعاتنا وقت الدين وقلنا من رئيس كثيرا خداوند اس مدد کو قائم و دائم رکھیں، خداوند اس کو دین کا مرکز بنا دے، خداوند جو لوگ دین کی خدمت کے حوالے سے کوئی بھی تگدو کر رہے ہیں ایون اگر ایک سپورٹیو بات بھی کر رہے ہیں اللہ کریم ان کو دین دنیا کی سرخ روی نصیب فرما، خداوند ہمیں فتنوں سے محفوظ مامون فرما، ہمارے ایمان عقیدے غیرت و حیا کی حفاظت فرما، ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں بیویوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، خداوند ہم کو توفیق دے دے کہ اپنے بچوں کی انسانی اور اسلامی تربیت کر سکے، اپنے بچوں کی انسانی اور اسلامی تربیت کر سکیں، اپنے بچوں کی انسانی اور اسلامی تربیت